हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर के आई हूँ मटन करी। तो देखिए बनाते हैं फटाफट से मटन करी। तो ये मैंने मटन ले लिया है, धो लिया है और धो करके पानी छनने में डाल लिया है स्टेनर में रख करके। ये देखिए बिल्कुल चर्बी वाला ही हमारा मटन है। इस तरीके से लेंगे ना बहुत टेस्टी मटन बनता है, अगर इस तरीका जो आपके पास मटन है। मैंने अच्छे से अनियन को चॉप कर लिया, मसाले तैयार कर रही हूँ ये मैं। इसमें रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, जीरा पाउडर डाला है इसमें मैंने ऐड किया, और इसमें मैंने थोड़ी से कुटे हुए सौंफ को डाला है और इसको मिक्स कर ले रही हूँ। मिक्स करके साइड कर लूँगी। गरम मसाले लिए मैंने, गरम मसाले लेकर के साइड कर लिए हैं। पैन लिया है मैंने, पैन गरम कर लिया है, मैंने भगोने में बनाया है आज। और ये देखिए थोड़े से ज़्यादा थे तो भगोने में बनाया मैंने। मैंने इसमें लाल मिर्च और खड़े गरम मसाले डाले, थोड़ा सा जीरा डाला और चॉप किए हुए सारे अनियन इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। और ये देखिए सौंठ का पाउडर भी डाल दिया थोड़ा सा ऊपर से, और इसको अच्छे से सॉटे कर लेनी है। देखिए हमारे इस तरीके से मैंने अनियन को डाला है, मीट है मैंने डाल दिया, मटन इसमें सारे मटन मैंने ऐड कर दिया और इसको मिक्स कर लेनी है। देखिए अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया, जो ड्राई मसाले तैयार करके रखे थे सारे ड्राई मसाले इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छी तरीके से लगातार चलाते रहना है, और चलाते हुए इसको हमें थोड़ी देर के लिए सॉटे कर लेनी है। देखिए इसमें से खुशबू अभी से आने लगी है बहुत अच्छी सी। और छोटी सी वीडियो हमारी मिस हो गई, अदरक लहसुन के पेस्ट डाले थे वो नज़र नहीं आए इसलिए मैंने बताया है। और इसको ढक्कन ढक करके मैंने 5 से 6 मिनट के लिए पकने दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। देखिए इसमें से पानी निकल के आ गए, हमारे जो अनियन डाले थे अच्छी तरीके से गल गए। देखिए बिल्कुल टेंडर हो गई ये, इसमें बिल्कुल देखिए कितना बढ़िया सा जूसी सा हमारा मसाला बन के तैयार हो गया। इतना ईजी तरीके से मैं बता रही हूँ, कोई भी मटन बनाना आराम से बना सकता है। बहुत टेस्टी बना था हमारा मटन। और इसमें मैं इस स्टेज पे डाल रही हूँ टमाटर प्यूरी, अभी टमाटर नहीं है हमारे पास तो टमाटर प्यूरी डाला है मैंने, और 1 कप वाटर डाल दिया इसमें। इसको फिर अच्छी तरीके से चला लेनी है, ढक्कन ढक करके फिर इसको 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देनी है। देखिए हमारे मटर गलने लग गए हैं बिल्कुल। फिर से मैंने इसको मिक्स कर दिया है, मिक्स करने के बाद गरम मसाला ऐड कर दिया इसमें और अच्छे से इसको फिर से मिक्स कर दिया। कसूरी मेथी भी इसमें ऐड कर लिया, आपके पास हो तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। हमारे मटन बन के तैयार हो गए हैं। फोर्टी फाइव मिनट के अंदर हमारे मटन बन के तैयार हो गए, बहुत जूसी सा मटन तैयार हुआ है। हमारी वीडियोज़ अगर हम आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।